السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد अल्लाह इस कायनात का खालिक और मालिक है। कायनात के अंदर जो तब्दीली आती है वो तब्दीली लाने वाला अल्लाह है। कुरान हकीम इसकी हमें ख़बर देता है, ज़ाहर अल-फसाद फिल बर्री वल बहर, खुश्की के अंदर या तरी के अंदर जब फसाद बरपा होता है वो इंसानों के गुनाहों की वजह से होता है। ये बात दुरुस्त है कि उसके कोई ना कोई असबाब रहते हैं, लेकिन असल वो इंसानों के गुनाह हैं, वो इंसानों की ख़ताएँ हैं जो दुनिया वालों पर अल्लाह के अज़ाब की सूरत में आती है। जब मौसम तब्दील होता, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सैयदा कायनात आयशा रदी अल्लाहु ताला अन्हा फरमाती कि अगर बादल आते, हवा चलती, अंधेरी की सूरत होती तो अल्लाह के हबीब अलैहि सलातु वसलाम का चेहरे मुबारक का रंग खौफ की वजह से तब्दील हो जाता। और साबका उम्मतों का आप जिक्र करते कि साबका उम्मतों में से एक उम्मत के लिए बादल आए थे और वो फौरन बाहर निकले खुशियाँ मनाते हुए कि बड़े अरसे से बारिश नहीं हो रही, आज ये बादल आए हैं तो इस बादल के आने से हमारे ऊपर बारिश बरसेगी। हालांकि वो बादल बारिश का पैगाम लेकर नहीं आए थे, अल्लाह का अज़ाब लेकर आए थे। ये हमारे सामने जापान का जलजला है, हज़ारों लोग मर गए, दुनिया बर्बाद हो गई। अब जो कम्युनिस्ट जहन के लोग हैं, मुल्हिद अल्लाह की ज़ात का इनकार करने वाले, एक तो है अकीदतन कोई अल्लाह को ना माने, एक है अमलन ज़ुबान से वैसे वो अल्लाह के ईमान की बात करें लेकिन अमलन वो अल्लाह पर ईमान नहीं लाते, वो इसके पीछे हमेशा टेक्निकली पॉइंट उसी को डिस्कस करते हैं कि ये सिलसिला इसलिए आया था, इसकी ये वजह थी, इसकी ये वजह थी, इसकी ये वजह थी। असबाब कुछ भी रहे हों, अल्लाह के अज़ाब का सबब कुछ भी रहे, लेकिन बुनियादी बात क्या है कि अल्लाह जब सज़ा देता है इंसानों को उसके गुनाहों की बिना पर देता। उम्मतें हलाक होती हैं गुनाहों की वजह से, उम्मतें बर्बाद होती हैं गुनाहों की वजह से। और अब तो जापानियों ने इस बात को तस्लीम किया है इस जलजले के बाद, हालांकि जापान के लोग वो अल्लाह की ज़ात पर ईमान नहीं रखते, लेकिन वो भी कह उठे कि ये रब ने हमें सज़ा दी है क्योंकि हम ऐसी कौम हैं जो सिर्फ अपने आप के बारे में सोचती हैं, किसी गैर के बारे में नहीं सोचती। वो भी मान गए कि एक रब है जो इस पूरे निज़ाम को चलाता है और जब चाहता है अपने बंदों को सज़ा दे देता है। ये अंधेरिये, ये अज़ाब, ये तूफ़ान, ये जलजले ना तो किसी की मौत पे आते हैं ना किसी की पैदाइश पे आते हैं और ना ये बग़ैर सबब के आते हैं। वो सबब क्या है? अल्लाह की तरफ से अज़ाब और अल्लाह की तरफ से सज़ा। हमारे यहाँ तो मशहूर है ना, कोई नेक आदमी फौत हो जाए और अंधेरी चल पड़े तो कहते हैं वो फला बाबा जी आज मरे थे, बस उसकी मौत का गम, मौसम भी मना रहा है, अंधेरी चल गई।
ये अंधेरी फलां बाबा जी ने छोड़ दी, ये फलां ने कर दी। और जाहिलों में मशहूर है, अंधेरी चल रही हो जूती उल्टी कर दो, अंधेरी बंद जाएगी, फौरन रुक जाएगी। ना किसी के रोकने से रुकती है, ना किसी के चलने से चलती है, ना इसका ताल्लुक किसी की मौत से है, ना इसका ताल्लुक किसी की पैदाइश से है। ये अल्लाह का अज़ाब है, वो कोड़ा जब चाहता है बरसा देता है। अल्लाह के लिए आला मिसाल आप स्कूल में नहीं देखते, 15-20 बच्चे शरारती हों, उस्ताद सबको नहीं मारता, किसी एक बच्चे को पकड़ के खूब पिटाई करता, उसकी सजाओं का, उसकी गलतियों की सजा देने का भी उसका ख्याल होता है, और दूसरा ख्याल ये होता है कि इसको पिटाई जब कर दूंगा बाकी शरारती अपने आप ठंडे हो जाएंगे। अल्लाह के लिए आला मिसाल, जब बंदे इस धरती पे गुनाहों में बढ़ जाते हैं, अल्लाह जिसको चाहता है सजा दे देता। फिर खुश नसीब है वो जो इस सजा पर तौबा ताइब हो जाए, अल्लाह की तरफ आ जाए, अल्लाह पर ईमान ले आए, अपनी ख़ताओं से अपने दामन को साफ कर ले। और बदनसीब है वो जो बजाय गुनाह से तौबा करने के, बजाय अल्लाह की तरफ लौटने के, वो कहे जी हम कोशिश कर रहे हैं आइंदा जलजला प्रूफ बिल्डिंगें बनाएंगे, ऐसी बिल्डिंग बनाएंगे कि जलजला आने पर भी नहीं टूटेगी। हमारे इंजीनियर्स लगे हुए हैं, मकान ऐसी जगह पर बनाएंगे जहां पर जलजले कम आए ना आए। तुम अल्लाह से जंग करना चाहते हो, तुम अल्लाह से मुकाबला करना चाहते हो कि अल्लाह तू जलजला भेज, हमारी बिल्डिंग ही ऐसी होगी जो नहीं गिरेगी। वो अल्लाह, वो कुदरतों वाला है, 7 जमीनें अल्लाह की उंगली पे होंगी, आसमान मुट्ठी में होंगे, जमीनें मुट्ठी में होंगी, आसमान लिपटे हुए होंगे रब के हाथ पे। इन मौसम को देखकर, इन हालात की तब्दीलियों को देखकर, इन जलजलों को देखकर, इन सैलाब को देखकर जो चीज समझने वाली है वो क्या कि लोगों अपने गुनाहों से माफी मांगो। मैं अपने गुनाहों को देखूं, आप अपनी गुनाहों को देखें, इनफरादी तौर पे भी इंसान अपने गुनाहों पर माफ़ी मांगे और इज्तमाई तौर पर भी उम्मत अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे। हमारे गुनाहों की कसरत की वजह से अल्लाह की तरफ से अज़ाब का कोड़ा बरसता है, और उन गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह जिसकी अक्सरियत उम्मत की शिकार हो चुकी है वो अल्लाह के अलावा औरों की इबादत है, शिर्क अकबर का गुनाह है। इन मौसम की तब्दीलियों से, इन हालात की तब्दीलियों से एक नुक्ता और भी समझ आता है कि इस पूरी कायनात का रब, खालिक, मालिक, राजिक, मुश्किल कुशा, हाजत रवा सिर्फ अल्लाह है। इस कायनात में किसी का कोई तसर्रुफ नहीं, कोई कुछ नहीं कर सकता। कुरान और हदीस के दलाइल तो हैं ही हैं, अकल भी इस्तेमाल करके देख लें, अगर अल्लाह के अलावा कोई कुछ कर सकता होता, धरती में कोई और हस्ती, कोई और ज़ात होती। ये कुछ अरसे पहले पाकिस्तान में कितना शदीद सैलाब आया है, सिंध भी डूब गया, पंजाब भी डूब गया, बलूचिस्तान के कुछ इलाके भी डूब गए। वहाँ के पीर बाबे किधर गए, वहाँ के शेख व मुर्शद किधर गए, वहाँ के इमाम व हजरत किधर गए? नहीं, ये सब मजबूर हैं, ये सब मखलूक हैं, ये सब आजिज़ हैं, ये सब लाचार हैं। इस धरती पे जो चाहे करे वो किसी शेख व हजरत की ज़ात नहीं, वो अर्श वाले अल्लाह की ज़ात है। ये शिर्क अकबर गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह है, इससे तौबा कीजिए, माफ़ी मांगिए, फिर अल्लाह की तरफ रजू कीजिए। और जो इस गुनाह से दूर हैं, जिनका दामन बचा हुआ है, वो इस गुनाह की खतरनाकी से उन लोगों को डराने के लिए खड़े हो जाएं जो जहाँ किसी झंडे को देखते हैं सजदा रेज हो जाते हैं, कभी घोड़े को देखते हैं सजदा रेज हो जाते हैं, कब्र को देखते हैं सजदा रेज हो जाते हैं,
मुर्दे को देखते हैं, सजदा रेत हो जाते हैं। इन अकल के अंधों के सामने अल्लाह की तौहीद की आवाज़ को बुलंद कीजिए, वगरना याद रखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना फरमान, आपने फरमाया तुम नेकी की दावत देते रहो, बुराई से रोकते रहो, और अगर तुम इस काम से बाज आ गए फिर एक वक्त ऐसा आएगा तुम रो रो के अल्लाह से दुआएं किया करोगे, अल्लाह तुम्हारी कोई दुआ नहीं सुनेगा। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमाए। एक भाई कहता है क्या एक गैर मुस्लिम को अस्सलामु अलैकुम बोला जा सकता है? अस्सलामु अलैकुम ये अल्लाह की तरफ से रहमत की दुआ है, तुम पर अल्लाह की सलामती हो, जिसके हकदार सिर्फ अहले ईमान, अहले तौहीद, मुवाहिद मुसलमान है। किसी मुशरिक को, किसी काफिर को अस्सलामु अलैकुम नहीं कहा जा सकता। और अगर कोई आपको कहे अहले किताब में से हो, कोई काफिर हो, कोई मुशरिक हो, तो उसको वालेकुम अस्सलाम नहीं कहा जा सकता, बल्कि उसको सिर्फ वालेकुम कहें। साहिल कहता है जहां बैतुल खला हो क्या वहां पर वुजू हो सकता है? अगर अटैच बाथ है ऐसा जिसके अंदर वजू के लिए अलग वाश बेसन है और टॉयलेट अलग है तो कोई हर्ज नहीं, वहाँ से फारिग होकर आप वजू की जगह पर आकर वजू कर सकते हैं। शेख साहब नियत के बारे में जब हम किसी से बात करते हैं कि नियत दिल से होती है ज़ुबान से नहीं होती, तो हमें जवाब देते हैं, एक कुछ लिखा है इस भाई ने लेकिन वादे नहीं है कि क्या ये हदीस है। देखिए नियत का दिल ज़ुबान है, नियत का मकाम दिल है, दिल से नियत होती है, ज़ुबान से इकरार होता है। जहाँ ज़ुबान से बोलने का अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया वहाँ हम बोलेंगे, उम्रे के लिए, हज के लिए ज़ुबान से बोलना हदीस में मौजूद है हम बोलेंगे, लेकिन नमाज पढ़ते हुए ज़ुबान से नियत करना, उन अल्फाज को दोहराना, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से ख़िलाफ़ है, किसी सही हदीस में नहीं है, लिहाजा हम नहीं कहते। रोज़ा रखने के लिए ज़ुबान से अल्फाज कहना किसी सही हदीस से साबित नहीं है। जहाँ नबी करीम ने कहे वहाँ हम कहेंगे, और जहाँ इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम खामोश रहे, दिल का मामला रखा, वहाँ उसको दिल से ही कहा जाएगा। निकाह किन चीज़ों से टूटता है? मर्द अपनी बीवी को तलाक दे दे तो निकाह ख़त्म हो गया उसका, तलाक वाक़े हो गई, या औरत अपने आदमी से खुला ले ले, या मियां बीवी में से कोई एक फरीक कुफ्र अकबर, शिर्क अकबर, बवा कुफर, खुला हुआ कुफर कर बैठे, काफिर हो जाए, मुर्तद हो जाए, मुर्तद होने से भी इनका निकाह फासिक हो जाता है। ये जो हमारे यहाँ छोटी छोटी बातों पर है, पिछले दिनों इंडिया के अंदर बड़ी ये बात चली थी, कोई बरेलवी मर गया था तो देवबंदी उसका जनाजा पढ़ के आ गया, जिस जिसने जनाजा पढ़ा सबके निकाह टूट गए, फला ने ये कर दिया, जिस जिसने ये किया फला सबके जनाजे टूट, सबके निकाह टूट गए, और बाकायदा फिर मौलवी ने बैठ के दर्जनों के हिसाब से जुमले के तौर पर निकाह पढ़ाए। ये बात नहीं है, फला ने ये कर दिया उसका निकाह टूट गया, फला ने ये कर दिया उसका निकाह टूट गया। या तो खामिंद अपनी बीवी को तलाक दे, या बीवी अपने खामिन से खुला ले, या दोनों में से एक फरीक मुर्तद हो जाए, काफिर हो जाए, तब ये निकाह टूटता है। निकाह पर मौलवियों ने बड़े ड्रामे बनाए हुए हैं। एक मौलवी साहब लिखते हैं अपनी किताब में कि हर महीने निकाह की तजदीद होनी चाहिए, महीने बाद ना कर सको 6 महीने बाद कर लो, 6 महीने बाद ना कर सको कम अज़ कम साल में एक मरतबा निकाह दोबारा पढ़ा लिया करो। मौली साहब क्यों? कहता कि टूट ना गया होए, एडा कच्चा कोई नहीं निकाह जरा टूट जावे। हम कहते हैं हजरत जी निकाह आज टूटा, तजदीद साल के बाद हुई, 9 महीने के दरमियान में बेटा आ गया था, वो हलाल दा कब आएगा या हराम दा, वो किड़े खाते जाएगा।
जो यकीन से चीज़ हासिल हो वो शक की बुनियाद पे नहीं टूटती। ये जो बातें बनी हुई है, इसने ये काम कर दिया इसकी बीवी हराम हो गई, इसने ये काम कर दिया इसकी बीवी हराम होगी, ये ढकोसले हैं मौलवियों के। कुफरे बवाह दोनों में से कोई एक करे, एक मुसलमान रहे एक मुर्तद हो जाए, फिर इनका निकाह ख़त्म होता। क्या मौसम के अचानक बदल जाने से, हवाओं के तब्दील हो जाने से क़यामत के आसार को तसव्वुर किया जा सकता है? जी अल्लाह जब चाहे, अल्लाह जब चाहे मौसम को फेर दे, तब्दीली को ले आए। तो ऐसे हालात के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात थी, आप अल्लाह के हुजूर आते थे, नमाज पढ़ते थे, दुआएं करते थे, इस्तग़फार करते थे। सूरज ग्रहण होता है क्योंकि मुसलमान अब मग़रिब के पीछे अंधा होकर दौड़ रहा है, जो कुफार वहाँ करते हैं डिश एंटीने की लानत उसी लम्हे वही चीज़ इसके बच्चों को दिखा देती है। आपने देखा होगा सूरज ग्रहण हो तो स्पेशल उसके लिए चश्मे ऐन के सेल होती हैं कि आज सूरज का नज़ारा करेंगे। अरे ये अल्लाह का अवाब है, इतनी बड़ी निशानी, इतनी बड़ी रोशनी, अल्लाह ने इसको अंधा कर दिया। ये अल्लाह तुम्हारे ऊपर अवाब लाए जब चाहे ला सकता है, जो इस सूरज की रोशनी को गायब कर सकता है वो मुझे और आपको मौत नहीं देगा। तो जब ये अल्लाह की तरफ से कोई सजा, कोई पकड़, कोई अदाब, कोई डराने कोई धमकाने की सूरत हो, उसमें इस्तग़फार कीजिए, माफी मांगिए, उसको खेल तमाशा ना बनाइए। मेरे नबी अलैहिस्सलाम के बेटे इब्राहिम रज़ियल्लाहु अन्हु वर्दा फौत हुए, उस वक़्त भी ऐसा ही हुआ। लोगों ने बात कह दी कि ये जो ग्रहण लगा है ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इब्राहिम रज़ी अल्लाह अन्हुदा की वफ़ात की वजह से लगा है। अब बज़ाहिर अल्लाह के नबी ने तो किसी को नहीं कहा था कि ये बात मशहूर करो, लोगों ने मशहूर कर दी। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया सूरज और चांद अल्लाह की निशानियाँ हैं, अल्लाह जब चाहता है इन निशानियों में तब्दीली लाता है। कमा कहा अलैहिस्सलाम, इसका किसी की मौत और किसी के पैदाइश से ताल्लुक नहीं। सूद खाने वाले का कितना गुनाह है, सूद गुनाह कबीरा है। सूद खाने वाला अल्लाह से जंग की हालत में है। अल्लाह कहता है सूद खाने से बाज आ जाओ, नहीं आते तो फिर आओ अल्लाह की तरफ से ऐलान जंग है। सूद के गुनाह की अगर 70 दर्जे किए जाएं, सबसे कम दर्जा अपनी माँ के साथ बदकारी है। सूद का एक लुकमा 36 मरतबा जिना करने से गंदा। लोगों ने अपना स्टेटस हाई करने के लिए इसको मजबूरी समझ लिया है, हालांकि मजबूरी नहीं है। आपने सूद पे गाड़ी ली है ना, मोटरसाइकिल पे गुजारा नहीं हो सकता। सूद पे मोटरसाइकिल लिया है, साइकिल पे गुजारा नहीं हो सकता। सूद पे साइकिल ली है, पैदल गुजारा नहीं हो सकता। एक लुकमा 36 मरतबा जिना करने से गंदा है। माशरे के अंदर अपनी नाक ऊंची करवाने के लिए लोग सूद को मां के दूध की तरह पी रहे। ओ जी हम चौधरी साहब हैं, हम खान साहब हैं, हम शाह साहब हैं, किराए के मकान में रहते हैं, बड़ी बेइज्जती है। लोग क्या कहेंगे, इतना बड़ा किराए के मकान में, अब अपने जाती पैसे तो इतने हैं नहीं कि हम मकान बना लें, बैंक से लोन लेकर मकान बना लो। ये बैंक से आपने लोन लेकर मकान क्यों बनाया, नाक ऊंची करने के लिए? इमाम कायनात फरमाते हैं मैंने खून की एक नहर देखी जिसके अंदर एक शख्स गोते खा रहा है, जो ही वो किनारे की तरफ आता है उसके मुंह में पत्थर मारे जाते हैं। मैंने पूछा ये कौन है, कहा जवाब देने वाले ने दिया कि ये सूद खोर है। तो सूद की जितनी सूरतें हैं अल्लाह के लिए उससे बच जाइए। अपने पैसों को सूदी अकाउंट में ना रखिए, बैंक से भी ऐसे बैंक से भी बच जाइए।
और जो कंपनियों में छोटे पैमाने का सूद चलता है उससे भी बच जाइए। देखा नहीं अक्सर कंपनियों में तनख्वाहें लेट हो जाती हैं, तो जिसकी जेब भरी भी है वो कहता है तेनू 100 रियाल चाहिए ने, ले ला मेरे को, तनख्वाह मिलने पर 120 लूंगा। ये 20 क्या है? सूद। सूद का गुनाह बड़ा ही खतरनाक गुनाह है। अपने दामन को इससे बचाइए। और याद कर लीजिए, सूद पर मकान बनाने वाला, सूद पे गाड़ी लेने वाला, सूद पे जमीनें लेने वाला, सूद पे जरी आलात लेने वाला, ये तो सूद का खाता करके मर गया। मरने के बाद भी इसको इस गुनाह का सिलसिला इसके साथ चलता रहेगा, औलाद इसकी मदद करती रहेगी। आप औलाद के लिए ही सब कुछ करते हैं, जी मर जाऊंगा, इनके सर पे छत नहीं है, इनके सर पे छत बनाते बनाते अपनी कब्र में आग के अंगारे क्यों भर रहे हो? इनके वाली वारिस, इनका राजिक व खालिक एक अल्लाह है, वही इनको खिलाएगा, वही इनका सहारा है। हलाल तरीके से औलाद के लिए कुछ कर सकते हो तो कर जाओ, अगर हलाल तरीके से नहीं है तो हराम तरीके से अपनी औलाद के सर पे छत बनाने का ख्वाब देखने वालों, औलाद के लिए छत का ख्वाब देख रहे हो, अपनी कब्र को जहन्नम की आग बना रहे। अगर वो शख्स रोजा कुर्बानी करता हो उसका अजर व सवाब, रोजा नमाज कुर्बानी एक अलग है और ये उसका गुनाह अलग है। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को अपने हाथों से बनाया था या अपने हाथों से पैदा किया था? जी, अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को अपने दोनों हाथों से बनाया। मेरे वालिद साहब फौत हो गए हैं, सब बहन भाई शादीशुदा हैं, लेकिन खर्चे का पैसा मांगते हैं हर साल के लिए। अगर बहन भाई शादीशुदा हैं, अपने अपने घरों में आबाद हैं, अल्लाह ने आपको माल दिया है, उनका खर्च उठाना आपके ज़िम्मे नहीं है। अगर तो वो कमारे होते, उनका खर्चा आपके वालिद के ज़िम्मे था, वो फौत हो गए, अगर आप अपने कमारे बहन भाइयों का खर्चा उठाएंगे तो आपका ये अमल आपके लिए भी बाइस अजर होगा, आपके वालिद के लिए भी बाइस अजर होगा, कि जो काम आपके अब्बू ने करना था आप बाप का कायम मकाम बनकर वो काम कर रहे हो, इसका अजर व सवाब आपके लिए बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर बहनों की शादी होगी, भाइयों की शादी होगी, अब उनका खर्चा आपके ज़िम्मे नहीं है, लेकिन अगर वो गरीब हैं, कमज़ोर हैं, आपके पास ज़कात का माल है, तो आप अपने ऐसे गरीब रिश्तेदारों को जिनका खर्च उठाना आपके ज़िम्मे नहीं, जिनको रोटी खिलाना शरीयत आपको पाबंद नहीं करती, शादीशुदा बहन अपने घर में है, अब उसका खर्चा आपके ज़िम्मे नहीं, आप उनको अपने ज़कात के माल में से रिश्तेदारों को दे सकते हैं, या अल्लाह ने वैसे आपको माल दिया है आप दो, तो आपके लिए अजर व सवाब है, नफल है। लेकिन पाबंद इस्लाम आपको नहीं करता कि आप उनको दो जो अपने घरों में आबाद हैं। औरत हामला है तो क्या तलाक हो जाएगी या विलादत के बाद तलाक होगी? अगर कोई अपनी बीवी को तलाक देता है और वो हमल से है तो उसकी तलाक हो जाएगी। वज़ा हमल उसकी इद्दत है, जिस दिन उसके यहाँ डिलीवरी होगी वो उसकी इद्दत होगी। मेरे जहन में अजीब किस्म के ख्यालात आते हैं जो कि ईमान को कमज़ोर करते हैं, ऐसे में कोई वजीफ़ा कुरानी बता दीजिए कि बुरे ख्यालात ख़त्म हो जाएं। कसरत से ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्ला, इसको कसरत से पढ़ें, शैतान की तरफ से जो ख्यालात आते हैं अल्लाह उसको दूर फरमाए। जोहर की 4 सुन्नतें 4 पढ़नी चाहिए या 2-2 करके पढ़नी चाहिए? अफजल 2-2 करके पढ़नी चाहिए। हजरत अली की कब्र मुबारक कहाँ है? राफजियों से पूछो, उन्होंने शहीद किया है, उन्हीं से पूछो कहाँ दफन किया, जिन्होंने मारा है वही इसके जवाब दे हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब तो हजरत अली, हजरत हसन, हुसैन, इनकी कब्रों के नाम पर कारोबार है। हुसैन टेकरी के अंदर भी पूरे ख़ानदान की कब्र है, इंडिया के अंदर भी, और इराक वाले कहते हैं हमारे पास भी है, शायद ईरान वालों ने भी बना ली हो।
एक मौके पर जब नमाज बा जमात ख़त्म होगी तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि कोई है जो इस आदमी के लिए सदका करे, यानी जमात की अहमियत के लिए ऐसा कहा था। क्या इससे ये दलील पकड़ी जा सकती है कि जिन आदमियों की एक या दो रकत छूट जाती है उसके साथ आदमी हाथ लगाकर उसके साथ खड़ा हो जाए गोया कि उसको इमाम तसव्वुर कर रहा है। ये हदीस नमाज ख़त्म होने के बाद की है कि नमाज ख़त्म हो गई और एक शख्स बाद में आए, आपने कहा कौन है जो अपने भाई पे सदका करे, यानी इसके साथ मिलके जमात करवाए, इसकी नफल हो जाएगी, उसकी फ़र्द हो जाएगी, उसको जमात का सवाब मिल जाएगा। लेकिन ये जो हमारे यहाँ चला हुआ है कि वो आए और पीछे से हाथ लगाए तो वो इमाम बन जाए, ये मुक्तदी बन जाए, ऐसा कोई वाकया हमारे इलम में किसी हदीस में या सहाबा कराम की ज़िंदगी से नहीं। वल्लाहु आलम। क्या ये सही है कि हज़रत बिलाल ने एक दिन अज़ान नहीं दी उस दिन सूरज नहीं निकला? जी ये सही है कि एक दिन हज़रत बिलाल ने अज़ान नहीं दी सूरज नहीं निकला, ये मन घड़त वाक़या है, ये झूठी बात है, ये कवालों की बात है। सही बात क्या है? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र से वापस आ रहे, रात के वक़्त आपने पड़ाव डाला, पूछा आज कौन है जो हमारा पहरा दे, हज़रत बिलाल कहने लगे मैं पहरा पर खड़ा होता हूँ और मैं ही आपको अदान पे जमात पे भी उठाऊँगा। हज़रत बिलाल ऊँटनी का टेक लगाकर बैठ गए, सूरज निकल आया। हदीस के लफ्ज़ हैं कि सूरज की शुआएँ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चेहरे पर पड़ी, आप उठे और कहा बिलाल कहाँ है, देखा तो बिलाल भी सो रहे थे। कहने लगे तूने वादा किया था उठाने का, उठाया क्यों नहीं? कहा अल्लाह के हबीब अलैहि सलातु वसलाम जो चीज़ आप पर गालिब आ गई वो बिलाल पर भी गालिब आ गई, आप भी सो गए मैं भी सो गया। कवालों ने यहाँ से बात घड़ ली, कुदरत खुदा की देखो, मुतलक सहर न हुई जब तक बिलाल ने सुबह की अजान न दी। ये कज़्ज़ाब और दज्जाल है जो इस हदीस को छोड़कर इसके ख़िलाफ़ अकीदा बनाता है। और इस हदीस से एक मसला और भी समझ आता है कि अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलमुल गैब होते तो आपको तो पहले पता था कि बिलाल ने सो जाना है, आप किसी और सहाबी की ड्यूटी लगाते। जहाँ इस हदीस से ये साबित हुआ कि सूरज बिलाल के अदान की वजह से नहीं रुका बल्कि सूरज निकल आया, उसकी तपिश से अल्लाह के नबी उठे, उस वादी को छोड़ा और अगली वादी में जाके नमाज पढ़ाई, वहाँ से ये बात भी समझ आई कि अगर अल्लाह के नबी आलमुल गैब होते तो बिलाल के अलावा किसी और सहाबी की भी ड्यूटी लगाते कि ये सो जाएंगे तू जागता रहना। एक इमाम साहब हैं जो गीबत भी करते हैं, फिल्म भी देखते हैं, क्या इनके पीछे नमाज पढ़ना जायज़ है? गीबत गुनाह कबीरा है, जिनके हाथ में उनको इमाम बनाना है उनको चाहिए कि वो नेक परहेज़गार इंसान को इमाम बनाए। फासिक और फाजिर के पीछे नमाज हो जाती है, अगर वो मुशरिक नहीं है तो उसके पीछे नमाज पढ़ी जा सकती। तशहुद में तीसरी रकअत से उठने से पहले मुकम्मल दुरूद इब्राहिमी पढ़ सकते हैं? जी पढ़ सकते हैं। अगर दुआए कनूत याद ना हो तो नमाज वितर में कोई दूसरी दुआ पढ़ सकते हैं? नहीं, दुआए कनूत को याद करें और जब तक याद नहीं होती उसके बगैर भी पढ़ लें इंशाल्लाह कोई हर्ज नहीं। क्या दाढ़ी को तरतीब दे सकते हैं? नवा सवाल किया है, पहले सवाल है कि दाढ़ी कट सकने या कहते नहीं कट्टन तो मौलवी फतवा कोई नहीं, तरतीब का पूछो मतलब इतने को गली खुली हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दाढ़ी को तरतीब दे सकते हैं और उस तरतीब से मुराद ये है कि आप दाढ़ी में तेल लगाएं, आप दाढ़ी में कंघा करें, दाढ़ी के बालों को साफ करें, यह तरतीब देना है। कांटी छांटी की इजाज़त नहीं है कि दाढ़ी को आप एक मुट्ठी के बाद काट लें, गालों से साफ कर लें, नीचे से साफ कर लें, नहीं, दाढ़ी को जैसे अल्लाह ने दिया है वैसे ही छोड़ दीजिए। क्या ख़ुद को मुसलमान कहना काफ़ी नहीं? क्योंकि अक्सर लोग ये पूछते हैं कि कौन से फ़िरके से ताल्लुक़ है, तो जवाब क्या दिया जाए? देखिए जब मुसलमान गैर मुस्लिम के साथ बैठा हो, यहूदी हैं, ईसाई हैं, हिंदू हैं, बुद्ध मत हैं,
तो वहाँ कोई पूछेगा आपसे आप कौन हैं, तो हम जवाब देंगे हम मुसलमान हैं, क्योंकि अल्लाह ने हमारा नाम मुस्लिम रखा है, हुवा समाअकुमुल मुस्लिमीन, हम मुस्लिम हैं। असल नाम, बेसिक नाम हमारा मुस्लिम है। सहाबा कराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाईन का आखिरी दौर और ताबईन का इब्तदाई दौर, जब इस दौर के अंदर फितने शुरू हुए, इब्ने सबा यहूदी की पार्टी दाखिल हुई, खारजी पैदा हुए, उस वक़्त अहलु सुन्ना का नाम पढ़ा। मुहद्दिसीन कहते हैं, ताबईन कहते हैं, इससे पहले हम कोई भी हदीस रसूल बयान करता हम ले लिया करते थे, लेकिन जब फितनों का और बिदती फ़िरक़ों का ज़हूर हुआ तो हम पूछते थे तुमने जिससे हदीस सुनी है उन रावियों के नाम बताओ, अगर वो अहले सुन्नत होते तो कबूल कर लेते, अहले बिदत होते तो हम छोड़ देते। तो अहले बिदत के मुकाबले पर, अहले शिर्क के मुकाबले पर हमारा नाम अहले सुन्नत है। अहले सुन्नत और अहलुल हदीस ये दोनों एक ही नाम है, एक ही माना है। कुरान और हदीस को मानने वाला, कुरान और सुन्नत को मानने वाला, यही अहले सुन्नत हैं, यही अहले हदीस हैं। इसीलिए इमाम अहमद इब्ने हंबल रहमतुल्लाह अलैह जब उस हदीस को बयान करते हैं कि 73 फ़िरके होंगे, 72 जहन्नम में जाएंगे, एक जन्नत में जाएंगे, तो उस एक की वजाहत करते हुए लिखते हैं अगर वो अहले हदीस नहीं तो फिर मैं नहीं जानता कि जन्नत में जाने वाली जमात कौन सी है। देखिए अहले सुन्नत और अहले हदीस कोई फ़िरका नहीं है, ये असल है। फ़िरका वो होता है जो अपनी असल से कट जाए, असल से टूट जाए। एक नहर है, दरिया है, ये असल है। इससे एक नहर निकली, उससे राजबाहा निकला, उससे नाले निकले, खाले निकले, अब ये बढ़ते गए, असल से हटकर इनकी कंडीशनें अलग अलग होती रही, ये सब फ़िरका कहलाएंगे। असल वही दरिया है। एक बाप के चार बेटे हैं, एक ने शादी की, बीवी लेकर अलग हो गया, दूसरा अलग हो गया, तीसरा अलग हो गया, चौथा बाप के साथ ही रहा, ये जो अलग हो गए ये फ़िरका जो बाप के साथ रहा वो असल। दीन में असल क्या है? क़ाल अल्लाह व क़ाल रसूल, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कोई किसी पीर को पकड़ के अलग हो गया, कोई किसी बाबा जी को पकड़ के अलग हो गया, कोई किसी शेख व मुर्शद को पकड़ के अलग हो गया, किसी को अलग होने के लिए कुछ ना मिला, वो नांगे शाह को लेके अलग हो गया। मेरे पास एक वीडियो आई है इंडिया की, कश्मीर का सोपूर एक इलाका है, सोपूर कश्मीर का, वहाँ पर अल्लाह की कसम एक पीर बैठा है, बाबा बैठा है, और बिला मुबालगा सैकड़ों औरतें जाली के साथ लग के उस बाबे जी की ज्यारत कर रही और पुकार रही, रो रही, चीख रही, बाबा बाबा। वो कश्मीरी जुबान है, बाबा ही मुझे समझ आया, आगे तो नहीं समझ आया क्या कह रही हैं। और जब मैंने बाबा जी को देखा, अल्लाह की कसम उसके जिस्म पर कपड़े का एक इंच भी नहीं था, बिल्कुल नंगा। और वो सोफा सेट की एक कुर्सी बड़ी मज़ेदार बड़ी शानदार, उस पे लात रख के बैठा हुआ, और उसके सामने औरतें खाने वन सवन्ने लेके आ रही हैं, और वो फिर चलता है बाकायदा नंगा उठ के चलता है और बैठता है और वो खाना खाता है। जिसको फ़िरका बनाने के लिए कुछ नहीं मिलता वो नांगे शाह को पीर पकड़ लेते हैं। ये सब फ़िरके हैं, ये सब बर्बादी की तरफ जाने वाले हैं। हम अहले सुन्नत अहलुल हदीस असल हैं। क्यों असल किया था? काल अल्लाह व काल रसूल। हमने किसी को पकड़ के अल्लाह रसूल को छोड़कर नया ग्रुप नहीं बनाया, नई जमात नहीं बनाई, हम उसी असल पे डटे हुए हैं कि अल्लाह और उसका रसूल, कुरान और हदीस, बस ये असल है, ये जन्नत में जाने का रास्ता है, ये सिरात मुस्तकीम है। अल्लाह हम सबको इस पे अमल की तौफीक अता फरमाए। क्या कोई मुसलमान किसी गैर मुस्लिम औरत से शादी कर सकता है इस नियत से कि शादी के बाद वो मुसलमान हो जाए? किसी मोमिन की किसी मुशरिका से शादी नहीं हो सकती, किसी मुशरिक की किसी मोमिना से शादी नहीं हो सकती। अहले किताब से शादी की इजाज़त है, लेकिन जो मुशरिक हैं उनसे शादी की इजाज़त नहीं है। सात सौ छियासी बटा 92,
इसके माना कुरान और हदीस में क्या है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान में तो बहुत से माने हैं और इसकी हकीकत क्या है। 786/92 कुरान और हदीस पूरा खोल के पढ़ के देख ले, कहीं नहीं लिखा हुआ, ना कुरान में लिखा हुआ है 786/92, ना किसी हदीस में लिखा हुआ है। ये तो मेड इन कराची है, दावत इस्लामी साहब वाले बुजुर्ग जो है कराची में बैठते हैं ना, उन्हीं की तकरीरों में तहरीरों में आता है 786/92। ये जादूगरों का इल्म है, ये इल्मुल आदाद है, और इसके अंदर खैर नहीं है, शर है। जिन्होंने इसको ईजाद किया है वही इसके मुख्तलिफ मायनी बयान करते हैं। वो कहते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ से लेकर या तक हर हरफ के नंबर हैं। बिस्मिल्लाह में जितने हरूफ आए हैं सारों को जब नंबरों को जमा किया गया तो वो 786 बना। बटा 92 का मदीना, मदीना में मीम दाल या नून हा इन हरूफ के जो नंबर है उनकी कलेक्शन की गई तो 92 बना। तो अगर ये चीज़ सही होती तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम गिनती करके इसका नंबर बना के ना देके जाते। असल में कंप्यूटराइज दौर है ना, हर काम कंप्यूटर के जरिए हो रहा है, आसानियाँ आ रही हैं। तो वो मौलवी हजरात कहते हैं ज़रूर असी औखे होना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नी लंबी जरूर पढ़नी 786 कलमों की। तो मैं कहता हूं भाई ठीक है, अगर आपकी इस तावील को मान लिया जाए तो आपने ब्रेक क्यों लगाई, आपने ब्रेक क्यों लगाई, ये खेड चंगी अगे टोरो आगे चलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का तो हो गया 786, पूरी अलहम्द शरीफ निकाल ली तो वो 7786 बन गई, रुकू की तस्बीहात की तो वो 500 बन गई, अत्तयात को जमा किया तो 800 बन गई, अब नमाज शुरू करो अल्लाह अकबर की तो 50, 786, 815, 716, 420, 420 कार नोट उठ जाओ, नमाज पूरी होगी। ये मेड इन इंडिया पाकिस्तान मसले हैं, ये दीन को बर्बादी और हलाकत की तरफ ले जाने वाली चीज़ें हैं। याद कर लीजिए, जो मसला अल्लाह के हबीब अलैहि सलाम ने नहीं बताया बाद में बनाया है वो दीन नहीं हो सकता। आपने अक्सर तावीज़ नहीं देखे, तावीज़ों पर भी 786/92 और नीचे पूरे खानों के अंदर 2, 4, 5, 10, 25, 30, 50 वो लिख के तावीज़ दे के मोर मार के 200 रुपये जेब है तावीज़ ओदी जेब। ये खाने के ढोंग है, ये नजूमियों का इलम है, ये हराम और बदकारी है, ये शरीयत की बर्बादी है, ये शरीयत का इजाफा है, इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अगर मान भी लिया जाए इसका यही मतलब बनता है, अगर आप एक दफ़ा पढ़ोगे बिस्मिल्लाह आपको कितना सवाब मिलेगा, एक हरफ पे 10 नेकिए हैं कुरान के एक आयत को पढ़ने में, कुरान के एक हरफ को पढ़ने पर 10 नेकिए हैं, और 786 को करोड़ दफ़ा पढ़ लो आपका बैंक अकाउंट नेकियों वाला बिल्कुल खाली रहेगा, उसमें एक नेकी भी नहीं लिखी जाएगी। मैंने बाजमात असर की नमाज ताखीर से जमात में गलती से गिनती में गलती होगी, 4 रकत बजाय 5 रकत पढ़ ली, इसका इजाला किया मैंने, सिर्फ सजदा सहब किया। जी अगर किसी से नमाज पढ़ते हुए गलती हो जाए और वो ज़्यादा पढ़ बैठे तो सजदा सहब करेगा, अगर कम पे सलाम फेर दिया है याद आने पर या याद कराने पर फिर पूरी करके फिर सजदा सहब करेगा। किसी भाई की बेटी 4 महीने से बीमार है, अल्लाह उनको शिफाए कामला अता फरमाए। कब्रिस्तान में हाथ उठाकर दुआ मांगना जायज़ है, जब कब्रिस्तान में जाएं तो कब्र वालों के लिए दुआ करें, हाथ उठाना हमारे इलम में किसी रिवायत में नहीं। मैंने कसम खाई थी कि आज के बाद सऊदी अरब नहीं आऊँगा, लेकिन इसके बावजूद सऊदी अरब में कई बार आ चुका हूँ। जब कफील से आपका झगड़ा होता होगा आप कसम उठा लेते होंगे, जब 4 पैसे जेब में तनख्वाह के आते होंगे फिर आ जाते होंगे। तो कसम को मजाक नहीं बनाना चाहिए, जितनी बार कसम उठाई है उसका कफारा अदा करना चाहिए। जिस रिहाइश में मैं रहता हूँ ज़्यादातर लोग बेनमाजी हैं, मैं इनको नमाज के लिए बुलाता हूँ वो फिर भी नहीं पढ़ते, तो क्या ऐसे लोगों के साथ रहना इनके साथ खाना पीना सही है?
अगर आप उनको दावत दे रहे हैं और दावत का फ़ायदा हो रहा है तो रहिए, उनको दावत दीजिए, कैसेट, किताब, सीडी, किसी भी हवाले से उनको दीन की बात पहुंचाइए। और अगर आप देखते हैं कि आपकी दावत का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा और मुस्तकिल वो उसी बीमारी में डूबे हुए हैं, तो फिर ऐसे लोगों के साथ मोहब्बत, प्यार, उठना बैठना, खाना पीना, दोस्तियाँ करना जायज़ नहीं है। किसी के बहनोई का इंतकाल हो गया है, दुआ कीजिए अल्लाह अहले तौहीद की मगफरत फरमाए। मेरे घर वाले बदअकीदा हैं, मैं इंडिया जा रहा हूँ, मस्जिद में नमाज अदा करता हूँ, ज़ोर से आमीन रफादैन कहता हूँ, तो सब एतराज़ करते हैं, कहते हैं दूसरी मस्जिद में नमाज अदा करो, ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए, क्या घर में नमाज अदा कर सकता हूँ, जबकि हमारे इलाके में अहले तौहीद की मस्जिद नहीं है। मुशरिक के पीछे नमाज नहीं होती, जिस बंदे के अकीदे में शिर्क अकबर है उसके पीछे नमाज नहीं होती, गुनाहगार के पीछे नमाज हो जाती है लेकिन मुशरिक के पीछे नमाज नहीं होती। अगर अहले तौहीद की मस्जिद नहीं है तो अपने घर के अंदर जमात करवाइए, नमाज पढ़िए। जिस बंदे के अकीदे में शिर्क अकबर है, वो गैरुल्लाह को पुकारता है, वो कब्रों पे सजदे करता है, वो गैरुल्लाह की इबादत करता है, कब्रों का तवाफ करता है, वो शिर्क अकबर कर रहा है, उसके पीछे नमाज नहीं होती, क्योंकि वो ईमान और अकीदे का अंतर है। आजकल कुछ लोग जो रात पर मसा कर लेते हैं, जी ये जायज़ है, कोई हर्ज नहीं। वितर की नमाज के दौरान दुआ हाथ उठाकर मांगनी चाहिए या हाथ बांधकर? अफजल है कि आप हाथ बांधे बांधे सूरत फातिहा पढ़ें, उसके साथ कोई सूरत मिलाएं, फिर वितर की दुआ कुनूत पढ़ें और हाथ बंधे हुए और फिर आप रुकू में जाएं। क्या बैंक में पैसा रखना जायज़ है? नहीं तो पैसा कहाँ रखा जाए। और अगर बैंक में रखना है तो आप करंट अकाउंट में रखवाएँ, सूद वाले अकाउंट में ना रखवाएँ। सूद वाले मामले से जितना बच सकते हैं उससे बच जाएं, ये हलाकत और बर्बादी का रास्ता है। फजर और ईशा की कदा नमाज के बारे में बताएं, क्या फजर में सुन्नत भी पढ़ी जाएगी और ईशा में वितर भी? देखिए, एक तो है कि इंसान फजर की नमाज कभी कभार उससे रह गई और उठे और कवा करे और सुनते भी पढ़े, फ़र्ज़ भी पढ़े, और ईशा की नमाज उसकी कभी रह गई, भूल गया, सो गया किसी शरी उज़र से, वगरना याद कर लें कि ईशा और फजर ये दो नमाज़ें हैं जो मुनाफिक पर भारी हैं। ये दो नमाज़ें ऐसी हैं जो किस पे भारी हैं? मुनाफिक पे। फजर भी मुनाफिक पे भारी है और ईशा भी मुनाफिक पे भारी है। अगर किसी की रूटीन ईशा और फजर छोड़ना है तो वो अपने आप पर गौर करे कि वो मोमिन है या मुनाफिक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो अंधेरों में मस्जिद को चलकर आता है, क़यामत के दिन उसको मुकम्मल नूर की खुशखबरी है, रोशनी की खुशखबरी है। कभी कभार ऐसा हो जाए तो आप उसकी पूरी नमाज अदा करें। अगर आपका वितर रह गया है तो जायज़ है आपके लिए कि अगले दिन सूरज निकलने के बाद आप दो रकत नमाज अदा कर लें। मैं हर हफ्ते में दो या तीन दिन सफ़र पर रहता हूं दूसरे शहर में, तो वहां कसर नमाज पढ़ता हूं, कभी मिलाकर कभी जमात के साथ। अगर आप जमात के साथ पढ़ेंगे, आपका इमाम मुकीम है, तो आप उसके पीछे पूरे फ़र्ज़ पढ़ेंगे, और अगर आपका इमाम मुसाफिर है तो आप उसके पीछे कसर करेंगे। क्या दूसरी शादी के लिए पहली बीवी से इजाज़त लेना फ़र्ज है? सवाल करने वाले भाई की दूसरी शादी का कोई प्रोग्राम नहीं है, एम एच एस की लैंड है। जिनका प्रोग्राम होता है वो दूसरी बीवी तो क्या दोस्तों को भी नहीं बताते, शादी करने के बाद खबर देते हैं। जो बेचारा अभी से इजाज़त नामा लेता फिर रहा है, इनको औखा ना होवे, कर ही रहे। سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك। सही रिवायात के मुताबिक पहले की है, रुकू के बाद जो है वो कुनूत नाजला की जो दुआ है, कुनूत नाजला वो रुकू के बाद अहदीस में आता है। वितर की कुनूत जो है वो रुकू से पहले है। वल्लाहु आलम। बिदअत की, भाई ने सवाल किया है बिदअत की कितनी किस्में हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल्लु बिदअतिन ज़लालह, कुल्लु
हर बिदअत गुमराही, हर गुमराही जहन्नम में ले जाती है। ये मौलवियों ने तकसीम की हुई है, ये बिदअत हसना है, और ये वो बिदअत हसना का लफ्ज़ लुगत में, लैंग्वेज में एक अच्छा काम देकर कहा जाए ये अच्छा काम है, लुगत के अतबार से, लैंग्वेज के अतबार से दुरुस्त है। इस्लाम के अंदर कोई बिदअत अच्छी नहीं होती। अल्लाह के नबी हर खुतबे में ये सुनाया करते थे, कुल्लु बिदअतिन ज़लाला, हर बिदअत गुमराही है। अकूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फिरु।